ग्वालियर के हजीरा में थूकने पर हुए विवाद में पहले दो पक्ष झगड़े, फिर पुलिस और एक पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। पहले कुछ लोगों ने पुलिस के जवान से बदतमीजी की, समझाने पहुंचे टीआई के गालियां दी और मारने के लिए दौड़े। घायल अजीत भी स्ट्रेचर पर खड़ा होकर टीआई मनीष ठाकर पर हमला करने के लिए हावी नेता नजर आया। इसके बाद मौके पर ही पुलिस फोर्स बुला लिया गया। हमलावर युवक और उसके रिश्तेदार की पुलिस ने जमकर धुनाई लगाई गई है। अब इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई है। 2 मामले में थूकने पर झगड़ने वाले दोनों पक्षों और क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं। 1 मामला पुलिस की तरफ से हमलावरों पर दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमला करने वाले कई नेताओं का खास होने का दावा करते हुए इलाके में रौब भी झाड़ता है। शहर के हजीरा चंदा नगर स्थित नई बस्ती निवासी अजीत सिंह भदौरिया और पास ही रहने वाले विपिन तोमर में थूकने को लेकर शनिवार देर रात झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में झगड़ा इतना बढ़ा कि पुलिस तक पहुंच गया। हजीरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई, पर थाने के बाहर दोनों फिर झगड़ा करने लगे। इस पर पुलिस ने अजीत और विपिन दोनों की ठुकाई लगा दी। अजीत में कुछ ज्यादा पड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद अजीत सिंह पासी हजीरा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। यहां रविवार दोपहर जब पुलिस उस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाने पहुंची तो अजीत की मां का कहना था कि डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताते हुए JAAH में भर्ती कराने के लिए कहा है, पर पुलिस के सामने कोई डॉक्टर सामने नहीं आ रहा था। पुलिस जवानों का कहना था कि पहले कोर्ट में पेश कर उसकी जमानत करा लेने दो, फिर JAAH में भर्ती करा देंगे। जितेंद्र खुद को कांग्रेस नेता बताता है। बताया गया है कि पुलिस पर हमला करने वाले दोनों युवक चाचा भतीजा हैं। भतीजा अजीत ने फेसबुक पर एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो लगाकर रखा था, जिसे घटना के बाद हटा दिया गया है। चाचा जितेंद्र खुद को कांग्रेस का नेता बताकर क्षेत्र के रौब झाड़ते हैं। यही कारण है कि लोग उनसे डरते थे। CSP रवि भदौरिया ने बताया कि दो पक्षों में रात को झगड़ा हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। सुबह दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश करने ले जाना था, जिस पर दोपहर में एक पक्ष ने पुलिस में बदतमीजी की और शासकीय कार के बाधा डाली, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ शासकीय कार में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया है। मोहल्ले की बात है तो उसने जी कही कि आपस में वो मोड़ा थाने में गोली मारेंगे, माँ बहन की गाली देने लगा तो जी आपस में झगड़ गए तो इसको तो उसको तो 60 रुपये कर दिया, इसको किसी के इशारे पे इतना मारा। आप वीडियो देखो। थाना हजीरा में रात्रि में दो युवक आपस में लड़के आए थे और उन्होंने यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने की बजाय थाना परिसर में भी आपस में उलझ गए थे और मारपीट की उन्होंने एक दूसरे के साथ। उनको धारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया गया था और उनको आज सुबह संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने के पूर्व डॉक्टरी हेतु हजीरा अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पे उसके कुछ परिजनों ने आकर के हंगामा किया।